नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज स्पोर्ट्स। अब देखिए, द ब्रिजभूषण शरण सिंह के मामले में जो पहलवान लगातार धरने प्रदर्शन पर हैं, इस वक्त देखिए जो धरना प्रदर्शन है वो चालू है। जगह जगह से देखिए लोग जो है, पहलवान जो है, किसान जो है, वो उनसे आकर जुड़ रहे हैं। अब इस पूरे मामले में, इस पूरे धरना प्रदर्शन के अंदर द ग्रेट खली की एंट्री भी हो चुकी है। द ग्रेट खली ने पहलवानों पर दोष लगाया है, आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर देखिए इस वक्त आ रही है द ग्रेट खली के हवाले से। आप सभी को बताया, द ग्रेट खली भारत का नाम देखिए उन्होंने काफी रोशन किया है। WWE जो शो आता है उसमें वो काफी आ चुके हैं, काफी बार आ चुके हैं। भारत का नाम जो है उन्होंने रोशन किया हुआ है। अब जब पहलवानों की बात आई तो द ग्रेट खली ने इस पूरे धरना प्रदर्शन को एक राजनीतिक रूप से बताया है, यानी कि जो पूरा धरना प्रदर्शन है वो एक राजनीतिक रूप ले चुका है। और जिस मकसद के लिए, जिस मोटिव के लिए देखिए शुरू किया गया था, वो मकसद से देखिए अपने भटक चुका है। और इसलिए देखिए ये राजनीतिक रूप इन्होंने ले लिया, क्योंकि लगातार पार्टियां जो हैं वो अपने एजेंडा इसमें चला रही है, अपना प्रोपेगेंडा इसमें फैला रही है, और जो असली प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं देखिए पीछे छूट चुका है, जिसमें पहलवान भी शामिल है। ये शब्द कहना देखिए द ग्रेट खली का कहना है, जो कि सरकार का समर्थन कर रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह का देखिए वो समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ द ग्रेट खली नहीं, काफी सारे देखिए ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, ऐसे पहलवान हैं, कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं, तो वो भी यही बोल रहे हैं कि जो अब ये पूरा धरना प्रदर्शन है वो एक राजनीतिक रूप उसने ले लिया है। और अब देखने वाली बात है कि आखिरकार पहलवानों का इस पर देखिए क्या रूप होता है। और साथ ही साथ देखिए जो लोग, जो किसान राकेश टिकैत जैसे नेता जो इसमें प्रदर्शन कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज स्पोर्ट्स।